गाइस ये रही हमारी फ्रेंड, बहुत शर्माती है। माय गॉड भाई, तुम्हारा गाइस पीछे चल रहा है पुलिस की गाड़ी के और सायरन बज रहा है। फर्स्ट टनल आ गई, देख लो भाई। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे यार। और आज का दिन कुछ आता है यार गाइस, मैं जा रहा हूँ फिलहाल धर्मशाला। इस बार जो मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से न्यू हाईवे जो बन चुका हुआ है ना, जा रहे हैं मेरे साथ है भाई अखिल और अपना एक क्लासमेट हो रहा है शौर्या। रेडी वगैरह हो गया, निकलते हैं भाई जल्दी से और मिलते हैं आपको सीधे भाई बाइक पे। तो भाई रो ये रही अपनी बाइक और एक ये रही भाई डोमिनार। भाई बोल बाबर मजा आने वाला, आज चलते भाई। कुछ लगेज वगैरह कुछ नहीं आज, खाली जा रहे बिल्कुल, एक बैग होगा और निकालते पहले बाइक को ना बाहर से ढंग से, बाकी बहुत गंदी हो रखी देखो। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है यार, बाइक लगा दी हमने कोस्ट स्टार्ट पे एंड लॉन्ग राइड है तो भाई मिरर वगैरह ओपन कर लेते हैं इसके। बाकी भाई एक ये रही डोमिनार, तो निकलते भाई यहाँ से जल्दी से। अभी का सीन ऐसा है भाई, यहाँ पे अपनी फ्रेंड रहती है ना, वो नहीं जा रही है घर, तो उससे मिलने आए हैं, तो मिलाते हैं आपको उसके साथ आज। गाइस ये रही हमारी फ्रेंड, बहुत शर्माती है। ओ माय गॉड गाइस, एक और भी रहती थी ना यहाँ पे, वो भी जा चुकी है। आप नहीं जा रहे हो घर? ये भी धर्मशाला से ही है, मैं भी आप सबने इसको देखा होगा। अच्छा आप चाहते हो कि आपकी आईडी डाल लूं मैं? अब गाइस फॉलो कर लेना इस लड़की को, बाकी अब आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखती रहेगी ये। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद यार बाइक पे ही अब है ना। अभी का सीन ऐसा है यार, निकला हूं मैं रूम से भाई, आवाज आएगा मजा भाई। आज मैं जा रहा हूँ भाई बिलासपुर वाले रोड से ना, क्योंकि भाई ये जो हाईवे है भाई फोर लेन, वहाँ से भाई स्टार्ट हो गया हुआ है, जहाँ से मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने मैं भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में। ओके भाई फुल पावर मजा आने वाला भाई, और निकलते हैं भाई जल्दी से ना यहाँ से। बाकी भाई अभी हम लेंगे सुंदर नगर वाली साइड टर्न। लोंडे पहुंचे नहीं भाई अभी तक अपने ना, भाई साहब क्या ही मजा आएगा आज। अंकल जी इंडिकेटर तो दे लो यार, क्या है दो मिनट रुक सकते भाई, लोंडो का वेट कर लेते हैं ना, अभी तक पहुंचे नहीं हो भाई साहब। इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम, साहब राइड होगी हमारी स्टार्ट धर्मशाला के लिए। धर्मशाला के लिए ना देखते कितने का तेल पीती है यार रे। भाई थोड़ा धीरे चलते यार, बंदे पीछे रह गए ना काफी, तो उनका वेट कर लेते, थोड़ा स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई भगाएंगे नहीं ज्यादा ना। बाकी भाई क्या ही भाई गर्मी हो रखी है ना यहाँ पे आज, और इतनी गर्मी है ना ऐसा लग रहा है भाई चंडीगढ़ वाला सीन देख लो आप, समझ रहे हो ना। तो गाइस फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है यार, मैं पहुंचा हूँ सुंदर नगर में और भाई साइड में देखो भाई क्या ही भाई नहर चल रही है ना। बाकी भाई इतना ट्रैफिक है भाई, इतना मतलब दिक्कत आ रही है ना राइड करने में, क्या ही बोलूँ भाई। और आज से सबसे बड़ी बात भाई इसके मिरर ओपन करके रखे हैं ना मैंने इतनी, और ऊपर से भाई इतनी हीट हो रही है ना बाइक, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड गियर लग रहा है। और भाई अब कुछ नहीं बोल सकते, आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है और अखिल भाई फुल पावर ओवरटेक ले रही है ना इस टाइम। माय गॉड भाई तुम्हारा गाइस पीछे चल रहा है पुलिस की गाड़ी के और सायरन बज रहा है पुलिस की गाड़ी का ना, पुलिस से तो भाई आपको पता है वैसे ही हमारा वही अच्छी खासी बनती नहीं है पुलिस के साथ। ये चल रहे हैं भाई अपने भाई बंधु आगे, भाई इतना सारा ट्रैफिक भाई यार क्या है। सुंदर नगर से जैसे निकलेंगे ना भाई फिर फोर लेन स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो इससे बेटर है कि यहाँ से निकलते पहले जल्दी से, देन भाई आपको मिलता हूँ मैं हाईवे पे अब यार। तो लो गाइस फाइनली अभी पहुँच गए भाई हाईवे पे।
भाई साहब देख रहे हो आप, BMW की भाई GS जा रही है 1250 भाई, 850 वोल्ट पावर भाई। भाई सोच लो कि स्पेशली मेरे को ये वाला रोड जो 200 किलोमीटर से ज्यादा पड़ेगा, मैं भी जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, बट भाई फिर भी भाई मैं जा रहा हूँ इस रोड से, क्योंकि मैं आपको एक चीज कहूंगा, जो न्यू वाला हाईवे है वो रेडी हो गया भाई, तो इसलिए भाई इस रास्ते से जाना बहुत ज्यादा जरूरी था ना, तभी आपको पता चलता। भाई साहब देख तो लो यार अंकल जी, फिलहाल अभी हूँ मैं थोड़ा सा आगे सुंदरनगर से आगे आ गया, और भाई फर्स्ट टनल आ गई देख लो भाई, और क्या ही भाई अंदर आवाज गूंजती है ना बाइक की, देख रहे हो भाई साहब क्या ही भाई लगती है यार टनल। चलते भाई जरा उनके पास में, अंदर काम भी चल रहा है इस टनल में ना, ज्यादा नहीं भगानी है बाइक। देख रहे हो यार टनल के अंदर क्या डटा डटा बोल है, बाकी बाइक बाइक की साउंड सुन रहे हो आप, क्या ही गूंज रही है अंदर यार, बाकी भाई ये रही दो मीनार, और यहाँ से हो जाता भाई फिर से अगेन हाईवे स्टार्ट। देखते हैं भाई अब इनको चलने देते हैं ना, कितने भगाते हैं। मैं बोलता हूँ कब जैसे हमारे कांगड़ा में ऐसे से रोड रेडी हो जाए ना, क्या ही मजा आएगा यार बाइक को भगाने के लिए। भाई यहाँ से चंडीगढ़ 127 किलोमीटर, भाई यहाँ पे बीच बीच में रोड का काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रुकते हैं। ओहो फक डूड क्या कर रहे हो सर, ओ भाई साहब ठोक दिया भी आपने बंदा हमारा, ये क्या स्टोरी कर रहे हैं बंदे। अरे भैया गाड़ी वाले निकले, हमको लगा वहां से जा रहे हैं सब, खुला ना रोड खुला आगे से। ओ यार भाई हम तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं इसीलिए धीरे आ रहा हूँ पीछे, वाला कुछ ना कुछ इशू है। यही था भाई, यही फुल पावर बना रहा भाई बाइक को भगाने के, बाकी वो दो रेज आ रहे हैं भाई पीछे ही ना। भाई साहब आगे का यहाँ पे टोल है, वहां पे रुकते भाई फुल पावर पहले। आ जाओ लोंडो कहाँ पर हो यार तुम। तो गाइस ये रहा हमारे यहाँ पे टोल, सो रो गाइस ये रहे डोमिनार वाले राइडर, अभी यहाँ से निकलने लगे भाई, टोल पे खड़े हुए थे ना निकलते भाई।
बाकी भाई पुराना वाला रोड जो था भाई बिलासपुर के लिए वहाँ से था। फिलहाल भाई अभी हम जा रहे हैं हाईवे से, क्योंकि हाईवे स्टार्ट हो गया ये वाला, बीच बीच में गए कंस्ट्रक्शन एरिया। तो भाई अब नहीं भगाएंगे यार बाइक को, कुछ ज़्यादा ही भगा लिए, इतना काफ़ी है भाई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तेल पी रही है भाई, बहुत तेल पी रही है। अगर इसी हिसाब से यहाँ से धर्मशाला हुआ तो फिर समझ रहे हो आप भाई, तुम्हारा तो एक टैंक में नहीं पहुँचेगा धर्मशाला फिर। ओ फक डूड, अगेन एक कार्टन लागी भाई यार। थोड़ी सी नॉइज रहेगी अंदर, क्योंकि अंधेरा तो दिख नहीं रहा है ना अंदर। भाई मैं कसम से भाई मोटे खुश हूँ इस रोड में आके ना। और भाई यहाँ से चंडीगढ़ 120 किलोमीटर, तो भाई ऐसी ऐसी टनल भाई, अंदर आवाज गूंज रही है, ऐसे लग रहा है भाई सुपर बाइक चल रही है कोई, रियलिटी में बताओ भाई कसम से, इतनी साउंड आ रही है ना अंदर बाइक की, इतनी ज़्यादा साउंड भाई, मज़ा ही आ गया यार अंदर चला के तो ना।